आप देख रहे हैं वरिष्ठ एमपी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं खबरों की शुरुआत से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई फिल्म नीति 2022-23 जारी होने से पहले नीति ने लिया राजनीतिक रूप। पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने बीजेपी सांसदों पर किए सवाल खड़े। मंदसौर में माफिया अभियान की एक बार फिर दिखी धमक। अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खिलजीपुरा गांव में हुई बड़ी कार्यवाही। नीमच जिला अभिभाषक संघ ने शुरू की हड़ताल। मामला नीमच पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई के विरोध का। वकील साथी के खिलाफ दर्ज मामले को खात्मे किए जाने की मांग। मंदसौर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान चावल पर समय से राशन न मिलने से परेशान ग्रामीण। दो माह से नहीं हुआ वितरण। खाद्य विभाग पर लगाए कई आरोप। नीमच पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। शातिर बांचड़ा और बंजारा गैंग का किया पर्दाफाश। कब्जे से सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। दो आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की परेशानियां हुई दूर। इलाज के अभाव से थे परेशान। आशा की किरण बनकर आई डॉक्टर प्रियांशी का ग्रामीणों ने जताया आभार। नीमच मंडी में औधे मोह गिरे लहसुन के दाम। सही भाव न मिलने से किसान हुए परेशान। वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा में जताया आक्रोश। सरकार पर लगाए कई बड़े आरोप। मंदसौर में आयोजित हुआ श्रमजीवी पत्रकार संघ का सम्मान समारोह। वरिष्ठ पत्रकारों और समाजजनों का हुआ सम्मान। विधायक सिसोदिया सहित कई अधिकारी रहे उपस्थित। नीमच में आंगनबाड़ी व सहयोगी एकता यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुँच के नारेबाजी। मांगों के निराकरण को लेकर सौंपा सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन। एमपी में दो सिस्टम हुए एक्टिव। 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। विभाग ने जारी किया अलर्ट। नीमच में भाजपा द्वारा मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा। ग्राम बसलवास कला में सांसद विधायक ने चलाया सफाई अभियान। मुक्ति धाम में किया पौधरोपण। नीमच कृषि मंडी में उपजों की बंपर आवक। अजवाइन 200 तो सोयाबीन 100 रुपए तेज। उड़द 200, अलसी 100 तो चना 50 रुपए नरम। रोटरी क्लब नीमच के तत्वावधान में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 70 खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है मैच। अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से।